आइए अब इस वक्त हम उस नौजवान लीडर को सुनते हैं जिसकी गूंज जेएनयू से उठी और हिंदुस्तान भर में फिरका परस्तों के लिए एक मुसीबत बन गई। जो फिरका परस्तों से तने तनहा बड़ी बेबाकी से लड़ता है, आज पूरे हिंदुस्तान के सेकुलर भाइयों के लिए उम्मीद की किरण जो है, ऐसे हमारे कांग्रेस पार्टी के ऑल इंडिया सेक्रेटरी आली जनाब कन्हैया कुमार साहब को मैं इन अशार से आवाज दे रहा हूं कि मैं भी खाइफ नहीं तख्तेदार से, मैं भी मंसूर हूं कह दो अगियार से। क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, क्यों डराते हो त्रिशूल तलवार से। जुल्म की रात को, जहल की बात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। पुरजोर तालियों में इस्तकबाल करे हमारे और आपके और पूरे हिंदुस्तान के चहेते लीडर जनाब कन्हैया कुमार का इस्तकबाल करे। इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। इस शहर का पावर बाबरलूम सिटी मालेगांव के सभी आदरणीय बुजुर्गों का, हमारी माताओं बहनों का, नौजवान दोस्तों का, प्यारे बच्चों का, इस शहर के एक एक वाशिंदों का जो बुनकरी का काम करते हैं, दुकानदारी का काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, आप तमाम मेहनत कसावाम का क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन। साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि एक ऐतिहासिक मौके पर एक ऐतिहासिक शहर के ऐतिहासिक वासिंदों से हमारा तारुफ हो रहा है, हम आपसे रूबरू हो रहे हैं। हम शुक्रगुजार हैं हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं का, इस मंच पर उपस्थित महाविकास अगाड़ी के, इंडिया अलायंस के, सभी पार्टी के तमाम लीडरान का, तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और एक छोटा सा करेक्शन है, अभी हमारे आमदार साहब के, बेग साहब के तारुफ में एक साथी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं। भाई, खाली कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट नहीं है, इंडिया अलायंस के कैंडिडेट हैं। बेग साहब महाविकास अगाड़ी के कैंडिडेट हैं और आज यहां हम सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बदौलत ही, इंडिया अलायंस की बदौलत आपसे दो चार बात करने के लिए हाजिर हुए हैं। साथियों, ये बड़ा अच्छा मौका है कि आज 15 नवंबर है और आज ही के दिन गुरुदेव नानक देव जी की जयंती है, उनका प्रकाश पर्व है। उनके बारे में मैं एक मसला, एक वाक्य आप लोगों से सुनाना चाहता हूं। एक बार एक जगह पे कुछ लोग पानी चढ़ा रहे थे तो गुरुदेव ने पूछा कि ये पानी कहाँ चढ़ा रहे हो, तो लोगों ने जवाब दिया कि पुरखों को पहुंचा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद जब दूसरा जत्था आया तो गुरुदेव पानी जो है वो पीछे फेंकने लगे, तो लोगों ने पूछा कि ये पानी कहाँ पहुंचा रहे हो, तो गुरुदेव ने कहा कि हम पंजाब पहुंचा रहे हैं ताकि हमारे खेतों में फसलों की सिंचाई हो जाए। लोगों ने कहा कि अरे पीछे फेंकने से पंजाब थोड़ी पहुंचेगा, कहा कि आगे फेंकने से पूर्वजों तक पहुंच जाता है तो पीछे फेंकने से पंजाब भी पहुंच जाएगा। गुरु नानक देव जी का ये प्रसंग मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि गुरु नानक देव जी
अंधविश्वास का विरोध किया करते थे। और आज हम जिस जमाने में रह रहे हैं, 21वीं सदी का जमाना है, हम चांद पर चले गए, आज पूर्णमासी का चांद है, फुल मून है, ईद पर भी हम चांद का इंतजार करते हैं और करवा चौथ पर भी। धरती पर जमी पे खड़े होकर जिस चांद का इंतजार करते हैं, इंसान की बदौलत, विज्ञान के बदौलत इंसान उस चांद की धरती पर जा खड़ा हुआ, ये शिक्षा की ताकत है, ये तालीम की ताकत होती है। महाराष्ट्र डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्मभूमि है। डॉक्टर अंबेडकर कहा करते थे, एजुकेट ऑर्गेनाइज एजुटेट, शिक्षित बनो, संगठित हो और अपने हक के लिए संघर्ष करो, किसी के मांगने से कोई किसी को कुछ नहीं देता है। अगर आपके भीतर कुवत है, आपके भीतर ताकत है, तो आप संगठित होकर अपने हक और अधिकार को हासिल कर सकते हैं, यही इंसान की मियाद होती है। और यह जो संगठित होने का, संघर्ष करने का जो हमारा इतिहास है, तो आज एक बेहतरीन मौका है। आज 15 नवंबर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। बिरसा मुंडा साहब कहा करते थे कि अंधविश्वास पे भरोसा मत करो, चोरी मत करो, शराब मत पियो, आपस में झगड़ा मत करो, धरती को भगवान की तरह पूजो, और जो गोरे लोगों ने हमारी धरती पे कब्जा किया है उसके खिलाफ उलगुलान करो और अपनी जमीन को आजादी दिलाओ, अपनी जमीन को मुक्ति दिलाओ। आज ये सब जिक्र मैं आपके सामने क्यों कर रहा हूं, आपको लगेगा सियासी आदमी है, वोट का वक्त है, अपने कैंडिडेट का चुनाव प्रचार करेगा, अपनी पार्टी के बारे में अच्छी अच्छी बातें करेगा। हमारे यहाँ कहावत है, अपने दही को कोई खट्टा नहीं कहता है। आप किसी भी जलसे में चले जाइए, लीडरान आएंगे, नेता आएंगे, अपने कैंडिडेट के बारे में सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, अपनी पार्टी के बारे में, अपने मोर्चे के बारे में जलसे में सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि चुनाव के इस वक्त में जब वोट मांगना चाहिए 9:30 रात को, तब ये बिरसा मुंडा को याद कर रहा है, तब ये गुरु नानक देव जी को याद कर रहा है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद कर रहा है। और इसी कड़ी में ये जो पावर लूम सिटी है, ये जो सिटी का पावर है, आपके बीच में एक व्यक्ति का और जिक्र करना चाहता हूं। उस व्यक्ति का नाम है इस देश के पहले शिक्षा मंत्री, जो तालीम पर जोर दिया करते थे, जिनका नाम है मौलाना अबुल कलाम आजाद। वो कहते थे कि आप इंसानों को पढ़ने दीजिए, ये मत बताइए कि क्या पढ़ना है, एक बार इंसान अगर पढ़ना लिखना सीख जाएगा तो वो यह भी जानना सीख जाएगा क्या सही है क्या गलत है। और वो देश के पहले शिक्षा मंत्री थे, उनका जिक्र मैं आपके सामने क्यों कर रहा हूं, उनका जिक्र मैं आपके सामने इसलिए कर रहा हूं कि आज की सियासत इंसान को इंसान से बांटती है। जरा सोच करके बताइए कि हम इंसानों की हालत क्या हो गई, कहते हैं ना क्या से क्या हो गए सनम देखते देखते। एक प्रश्न का जवाब दीजिए कि क्या डेंगू का मच्छर इंसान से ज्यादा स्मार्ट हो गया है, क्योंकि डेंगू का मच्छर जब काटता है, क्या सिपाही जी आप भी सोचिएगा, तो तिलक लगाने वाले को भी डेंगू ही होता है और टोपी पहनने वाले को भी डेंगू ही होता है, मंदिर जाने वाले को भी डेंगू ही होता है, मस्जिद जाने वाले को भी डेंगू ही होता है। मच्छर इंसान को आपस में नहीं बांट रहा, लेकिन हम जिसको लीडर कहते हैं वो इंसानों को इंसानों के से बांट रहा है। इनके पास जवाब देने के लिए जवाब नहीं है, इसीलिए उल्टा प्रश्न पूछते हैं। हम कहते हैं कि आप हमारे सवालों का जवाब दीजिए कि जो वादे करके इस देश में सरकारें बनी,
जो वादे करके प्रदेश में सरकार बनी, कितने वादों को सरकारों ने पूरा किया है, और अगर पूरा नहीं किया है तो सियासत में, हमारी देश की जमहूरियत में, देश के आईन में, संविधान में यह बात लिखा हुआ है कि 5 साल में हमको सरकार बदल देनी है। इधर हमारी कुछ माएं खड़ी हैं, माता जी एक बात बताइए, रोटी जब पकाते हैं तो थोड़ी देर में रोटी को पलटना होता है ना, रोटी को अगर पलटेंगे नहीं तो रोटी जल जाती है, सत्ता में अगर आप पलटेंगे नहीं तो इंसान अहंकारी बन जाता है। महाराष्ट्र का मत करो ना, ये एकदम मोदी जी के ना जुमले की तरह है, ना खाने लायक, ना बिछाने लायक, ना इसमें कोई खुशबू है, ना कोई सुगंध है, खाली कागज उड़ा रहे हैं। इसको देख करके मुझे जो है ना वो 2000 का नोट याद आ रहा है, गुलाबी वाला। छोड़ दो, मत बर्बाद करो पेपर, ऐसे ही देश को 10 साल में उन्होंने बहुत बर्बाद कर दिया है। मेरा प्रश्न ये है कि 5 साल में यह व्यवस्था की गई है कि अगर आप काम कर रहे हैं तब तो आपको रखा जाए, अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो आपको पलट दिया जाए। रोटी जलती है और नेता अहंकारी हो जाते हैं, अपने सत्ता के अहंकार में जलने लगते हैं, ऑटो पायलट पे हो जाते हैं। आपके बीच जो हमारे प्रत्याशी हैं, ये एक जमीनी कार्यकर्ता है, ये 50 करोड़ रुपया देकर के टिकट नहीं लाए हैं, ये आजकल जो है महायुक्ति की सरकार में हो रहा है, और आप महाराष्ट्र के लोग हैं, आपको ये विचार करने की जरूरत है। महाराष्ट्र के इतिहास में जो आज तक नहीं हुआ वो महाराष्ट्र में हुआ। जैसे मॉल में वो सुपरमार्केट है ना आपके शहर में, वहां सब सामान बिकता है, खाने का सामान बिकता है, पहनने का सामान बिकता है, तेल बिकता है, साबुन बिकता है, जूता चप्पल, महाराष्ट्र में इस बार आमदार बिक रहे थे, एमएलए बिक रहे थे, जैसे घोड़ा बकरी बिकता है ना मुर्गा मुर्गी, वैसे ही आमदार बिक रहे थे। लोगों ने वोट दिया किसी और को और वो जनता का वोट लेकर के चले गए किसी और के पास, कितने बड़े बेईमान हैं वो देखिए। अजीत पवार साहब एक वीडियो में बोले कि दिल्ली में एक मीटिंग हुई जिस मीटिंग में गौतम अदानी मौजूद थे। बताइए महाराष्ट्र में सरकार किसकी बनेगी, इसका फैसला तो महाराष्ट्र की आवाम करेगी ना, यहाँ की जनता करेगी ना, कि कौन सरकार में आएंगे, कि गुजरात का एक व्यापारी बैठ करके तय करेगा कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी। मैं कहता हूं ये लोकतंत्र का अपमान है, ये जमहूरियत का अपमान है महाराष्ट्र के लोगों, 20 तारीख को आपको सिर्फ आमदार नहीं चुनना है, उन गद्दारों को मुंह तोड़ जवाब देना है जिन्होंने जमहूरियत के साथ धोखा देने का काम किया है, उनको जवाब देने का वक्त है। और यह जो सियासत आज हमारे सामने छेड़ी जा रही है, फडणवीस साहब ने कहा कि यह धर्म युद्ध है, हमने भी पलट करके एक दो सवाल पूछ लिया, हमने बस सच पूछ लिया, इतना भी तीखा नहीं था जितना मिर्ची उनको लग गया है, हमने सिर्फ इतना पूछा और फिर आपके सामने पूछ रहे हैं कि अगर सियासत का काम धर्म बचाना है तो सब लोग मिलकर के बचाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धर्म बचाने के इस काम में सिर्फ गरीब लोगों का बाल बच्चा ही लगेगा कि नेता का बेटा बेटी भी आएगा धर्म बचाने के लिए? ऐसा तो नहीं होगा कि हम मेहनत मजदूरी करने वाले, दुकान चलाने वाले, नौकरी करने वाले, बिजनेस करने वाले, बंदूक लेकर के फौज की नौकरी करने वाले, खेती करने वाले, किसानी करने वाले, काश्तकारी का काम करने वाले, सेतकारी का काम करने वाले, हम लोग धर्म बचाएंगे और उनका बाल बच्चा लंदन की सड़क पर कहेगा हाय हाउ आर यू, वो एक ऑक्सफोर्ड में पढ़ेगा, कैम्ब्रिज में पढ़ेगा, न्यूयॉर्क में घूमेगा, यूरोप के मजे लेगा,
और हमको कहेगा कि धर्म बचाएंगे, मिल के बचाएंगे? यही तो सवाल मैंने उनसे पूछा। कौन सी ऐसी बुरी बात हमने कह दी? ना उनको गाली दी, ना उनको कोई अपशब्द कहा, ना उनके बारे में कोई खराब बात की। हमने तो इतना ही कहा ना कि ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम धर्म बचाएंगे और आपका बेटा बेटी धर्म नहीं बचाएगा। यह बात गंभीरता से हमने एक बार भाजपा के नेता से की तो वो नेता छूटते ही बोला, लेकिन योगी जी और मोदी जी को बेटा बेटी नहीं है। तो हमने कहा कोई बात नहीं है, भतीजा तो है ना, जैसा कोई भेज दे हमारे साथ धर्म बचाने के लिए। कितना मजेदार बात है सर जी, वो बीसीसीआई में बैठ करके आईपीएल का टीम बना रहा है और हमको कहता है कि मोबाइल पर ड्रीम इलेवन पर टीम बनाओ। ये खेल देख रहे हैं? इस देश में 140 करोड़ लोग हैं और इस देश के संविधान की ताकत ये है कि ये देश जितना महल में रहने वालों का है उतना ही झोपड़ी में रहने वालों का है। यह देश जितना अमीरों का है उतना ही गरीबों का है। यह देश जितना पूंजीपतियों का है उतना ही किसानों का है। मेरा एक सीधा सवाल है, ये कैसी नीति देश में चल रही है भैया कि हम जब सामान खरीदने के लिए जाएं तो हर चीज रोज महंगी होती जा रही है, लेकिन किसान जब अपना सामान बेचने के लिए जाए तो हर चीज रोज सस्ती होती जा रही है। जो धान 3,000 रुपए प्रति क्विंटल बिका करता था इस बार 2,200 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है। जो कपास 10,000 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा था इस बार 7,000 रुपए प्रति क्विंटल नहीं बिक रहा है। जो सोयाबीन 4,000 रुपए प्रति क्विंटल बिका करता था इस बार 3,000 रुपए प्रति क्विंटल नहीं बिक रहा है। ये कैसी नीति है भैया जिसमें अमीर अमीर होता जा रहा है, फॉर्चुनर बेच करके इंडीवर खरीद रहा है, इंडीवर बेच करके बीएमडब्ल्यू, बीएमडब्ल्यू से मन भर भर जा रहा है तो हेलीकॉप्टर खरीद ले रहा है, और जो गरीब है वो लगातार गरीब होता जा रहा है। शिक्षा महंगी होती जा रही है, स्वास्थ्य महंगा होता जा रहा है, पढ़ाई लिखाई सब महंगा हो रहा है, और पढ़ने लिखने के बावजूद हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है। इस पर हम जब प्रश्न पूछते हैं तो कोई जवाब नहीं है इस देश की सियासत के पास। मेरा एक सीधा सवाल है, बताइएगा कॉर्पोरेटर साहब, आप भी विचार कीजिएगा। कलेक्टर का बच्चा कलेक्टर बनना चाहता है, एक्टर का बच्चा एक्टर बनना चाहता है, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, लीडर का बच्चा लीडर बनना चाहता है, लेकिन फार्मर का बच्चा फार्मर नहीं बनना चाहता है। क्यों? क्यों नहीं बनना चाहता है? क्यों? क्योंकि इस देश में सिंचाई महंगी, पढ़ाई महंगी, दवाई महंगी, हर चीज महंगी हो गई, और वो किसान जो हम सबके थाली में अनाज पहुंचाता है, जो हमारा अन्नदाता है, जो सेतकड़ी है, वो किसान अपने ही खेत की सूखी पेड़ पर फांसी लगाने को विवश है। हर एक घंटे में हमारे देश में 2 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, ये हमारे लिए शर्म की बात है। अगर हमको देश की चिंता है तो हमको इस बात पे विचार करना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा रोजगार सेतकड़ी क्षेत्र में लोगों को मिलता है, उसके बाद सबसे ज्यादा रोजगार बुनकरी के काम में लोगों को मिलता है, पावर लूम इंडस्ट्री में मिलता है। जब हम भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे राहुल जी के साथ, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चल रहे थे, तो रास्ते में कई बुनकर समाज के लोग आकर के हमसे मिले, बुरहानपुर के लोग आकर के मिले, मालेगांव के लोग आकर के मिले, स्पिनिंग मिल का मॉडल लेकर के आए थे, और उस वक्त राहुल जी ने कहा था कि अगर हम इस देश की तरक्की चाहते हैं तो इस देश में जो उत्पादन करने वाले लोग हैं, जो प्रोडक्शन करने वाले लोग हैं, जो खेतों में अनाज उगाते हैं, जो फैक्ट्रियों में कपड़ा बनाते हैं, जो कारीगरी का काम करते हैं, जो काश्तकारी का काम करते हैं, हमको उनको मजबूत करना पड़ेगा। अगर फौज की मजबूती चाहते हैं तो हमको सिपाहियों को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि युद्ध सिपाही लड़ा करते हैं। सारी व्यवस्था है, उस बुनियादी व्यवस्था को कमजोर किया जा रहा है, और कमजोर किया कैसे किया जा रहा है, एक बात सोच करके हमको बताइए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, एक तो उनको आदरणीय आजकल हम कहते हैं क्योंकि उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान कहा कि वो नॉन बायोलॉजिकल हैं,
हम लोग तो सब अपने माँ के पेट से पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वो नॉन बायोलॉजिकल है, तो पता नहीं कहाँ से हैं, आई डोंट नो। अब प्रधानमंत्री जी को जब ये भ्रम हो गया है कि वो अवतार हैं, ईश्वर हैं, तो कम से कम इतना तो आदर बनता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। आनंद का विषय है, खुशी की बात है। अगर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। लेकिन मन में प्रश्न ये है कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है तो वो 80 करोड़ लोग कौन हैं जो 5 किलो अनाज लेने के लिए गरीबों की लाइन में लगे हुए हैं। कैसे अर्थव्यवस्था मजबूत किए हैं सर जी? इंग्लैंड को पीछे छोड़ दिए, तो वीडियो कॉल करके ही अगली बार दिखा दीजिएगा प्रधानमंत्री जी कि वहां भी 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं क्या लंदन की सड़कों पर। इसका मतलब यह है कि अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है लेकिन देश का नहीं, प्रधानमंत्री जी के ध्वस्त की अर्थव्यवस्था का विकास। इसीलिए आप देखिए इस कुनीति के चलते, इसको मैं कुनीति कहता हूं, इस कुनीति के चलते हर एक घंटे में 2 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, रोज बुनकर लोग अपना काम बंद कर रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद कर रहे हैं क्योंकि बिजली बिल को प्राइवेटाइज करके बिजली बिल इतनी महंगी कर दी गई है कि बुनकरों के लिए उत्पादन करना मुश्किल हो गया है। हम कहते हैं महाविकास अगाड़ी का एक ही संकल्प है, देश के जो बुनियाद हैं किसान और कारीगर उनको हम बचाएंगे और निजीकरण को बंद करेंगे, ये हमारा संकल्प है। संकल्प लेकर के हम आपके बीच में आए, यह जो कुनीति है उस कुनीति पे हम रोक लगाना चाहते हैं। भारत के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ, 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, दुनिया का सबसे नौजवान देश है हम, दुनिया का हर 5वां युवक भारत का रहने वाला है, हिंदुस्तानी है, लेकिन हमारी हालत यह है कि पढ़ने लिखने के बावजूद ITI किया है, BTEC किया है, पॉलिटेक्निक की है, टीचर की पढ़ाई की है, पत्रकारिता की पढ़ाई की है, MBA किया है, तमाम तरह के कोर्स करने के बावजूद आज हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है। इनको क्या फर्क पड़ता है? हमारे यहाँ कहावत कहते हैं, जाके पैर न फटे बिवाही, वो क्या जाने पीर पढ़ाई। जिसके पांव में दरार नहीं पड़ी हो वो दूसरे का दर्द नहीं समझ सकता है। अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं इसलिए इनको फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे स्कूल में पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है। आए दिन आप अखबार उठा करके देख लीजिए, अखबार में खबर आता है कि सैकड़ों स्कूलों को बंद कर दिया गया है। बताइए ये कैसा विकास हम कर रहे हैं? जहां हमको नया स्कूल खोलना था, नए विश्वविद्यालय बनाने थे, नया कॉलेज खोलना था, उल्टे यहां पर कॉलेजों को बंद किया जा रहा है, स्कूलों को बंद किया जा रहा है। मेरा एक छोटा सवाल है, आमदार साहब आप आमदार होंगे, सरकार बनेगी, आप सरकार में होंगे, आपको विधानसभा सरकारी चाहिए, आपको गाड़ी चढ़ने के लिए सरकारी चाहिए, बंदूक वाला गार्ड सरकारी चाहिए, तो मैं सरकारी इच्छा रखने वाले इन सरकारी लोगों से पूछता हूं कि देश की संसद सरकारी, प्रधानमंत्री सरकारी, सेनाध्यक्ष सरकारी, जज सरकारी, तो अस्पताल क्यों नहीं होना चाहिए सरकारी, स्कूल क्यों नहीं होना चाहिए सरकारी, सड़कें क्यों नहीं होनी चाहिए सरकारी? इसलिए कि सरकारी जब होगी तो सबकी होगी, और सबकी जब होगी तो गरीब का बच्चा भी पढ़ेगा, अस्पताल में गरीबों का भी इलाज होगा, वो भी अपनी टूटी साइकिल लेकर के वह सरकारी सड़क पे चल पाएगा। इस देश के भीतर जो असमानता फैलाई जा रही है, यह असमानता सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन उस असमानता पर हमारी नजर ना जाए इसीलिए धर्म का सगुफा छोड़ा जाता है। कितना मजेदार है आप समझ लीजिए, एक बार आप धर्म को सियासत में ले आइए, फिर आप जमीन पर एक पैसे का भी काम मत कीजिए, एक पैसे का काम मत कीजिए। आपने धर्म सियासत में लाई, जमीन पे आपको उतरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर वाले के नाम पे आपका सब कुछ हो जाएगा। अरे भगवान है मंदिरों में,
अल्लाह की इबादत आप कहीं बैठ करके कर लो। गुरु नानक देव जी को हम याद करते हैं, वो कहते हैं गरीबों के सेवा में ही परमार्थ है। आप किसी भी महापुरुष के बारे में बात करो, मैं अभी अमरावती से आ रहा हूं, अमरावती में राष्ट्र संत तुकरे जी महाराज पैदा हुए। लोगों की सेवा में ही शक्ति होती है। ये नया कलेवर का आया है सिस्टम, ये नया कलेवर का सिस्टम है कि इंसानों को उसके पहचान के आधार पर बांट दो। इंसान आपस में लड़ेंगे, हम आराम से उनकी संपत्ति लूट करके अपनी तिजोरी भरेंगे। यही काम अंग्रेज हमारे खिलाफ किया करते थे, यही काम अंग्रेज हमारे खिलाफ किए, हमको आपस में लड़ाया, हमारी संपत्ति लूटी और उसको लेकर के ब्रिटेन गए। मैं कहता हूं हे महाराष्ट्र के लोग, ये 21वीं सदी के अंग्रेज हैं, ये महाराष्ट्र के लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं और महाराष्ट्र की संपत्ति लूट करके अपनी तिजोरियों में पहुंचा रहे हैं। इसीलिए जब आप 20 तारीख को मतदान करने के लिए जाइएगा तो आप उन मसलों पर मतदान कीजिए जिन मसलों से आपका जीवन प्रभावित होता है, जिससे आपके जीवन में असर पैदा होता है। और आपके जीवन में किन चीजों से असर पैदा होता है? आपके जीवन में असर पैदा होता है महंगाई से। बताइए हमको, LPG का सिलेंडर कितने में मिला करता था? बोलिए, अभी बोलने पे GST नहीं लगा है। 400। आप कितने का मिल रहा है? दाल कितने का मिलता था? आप कितने का मिल रहा है? पेट्रोल कितने का मिलता था? आप कितने का मिल रहा है? लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लगातार जवानों की आत्महत्या बढ़ती जा रही है, लगातार जिस महाराष्ट्र में कहते हैं मुलगी सिखली प्रगति झाली, लड़कियों को तालीम देने से प्रगति होती है, जहां यह बात कही जाती थी वहां आए दिन महिलाओं के खिलाफ बलात्कार की घटनाएं होती है। और यह जो बात है, इस बात की गंभीरता को आप समझिए। आज एक पत्रकार ने मेरे मुंह में माइक लगा करके हमको पूछा, कहा कि भाजपा कह रही है बटेंगे तो कटेंगे। हमने कहा बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन ये नारा नहीं है, चेतावनी है। चेतावनी ये है कि बट रही है, बट रही है रेल, बट रही है तेल, बट रहा है भेल, बट रहा है गैस, बट रहा है पोर्ट, बट रहा है एयरपोर्ट। किसको? प्रधानमंत्री जी के दोस्त को। और कट क्या रहा है? कट रहा है प्रधानमंत्री जी की जनता की जेब, प्रधानमंत्री जी की जनता की जेब कट रही है। आप एक बार अस्पताल में जाइए अपना किसी का इलाज कराने के लिए, आप देखिए कि कितना भारी भरकम बिल आता है। आप बच्चों को पढ़ाने के लिए जाइए स्कूलों में, देखिए उसका ड्रेस खरीदने में, उसकी कॉपी खरीदने में, उसका जूता खरीदने में, उसका टाई खरीदने में आपके पसीने छूट जाएंगे। जो हैंडलूम में काम करने वाले लोग हैं वो मीटर देख करके जो है उनका दिमाग खराब हो जाएगा। वो मीटर ऐसे चलता है जैसे कोई सिरिंज लगा करके आपके नस से जो है खून निकाल रहा हो। आम इंसान की जिंदगी को इतना दुभर कर दिया गया है, और सियासत से आम लोगों के जो सवाल हैं, रोजी रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य सड़क बिजली पानी और आम लोगों के आत्मसम्मान, उसको गायब कर दिया गया है। ऐसे गायब कर दिया जैसे गधे के सिर से सींग गायब रहता है। इसीलिए आप सबसे मेरा एक निवेदन है, मैं आपके बीच में कोई सियासी जलसा करने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपको कोई शायरी और शेर भी सुनाने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ ये निवेदन करने के लिए आया हूं कि पूरा देश, पूरा राष्ट्र महाराष्ट्र की ओर देख रहा है। पूरा देश ये देखना चाहता है कि जिस महाराष्ट्र में पैसे का खेल खेला गया, एक चुनी हुई सरकार को गिराई गई, उस महाराष्ट्र की जनता का निर्णय क्या है, उनका फैसला क्या है, वो अपना मुस्तकबिल कैसे तय करते हैं। पूरा देश उम्मीद भरी नजरों से आपको देख रहा है। मेरा एक सीधा सवाल है कि अगर फडणवीस साहब को डिप्टी CM ही बनना था तो उद्धव जी साहब ठाकरे में क्या दिक्कत थी? यह चुनी हुई सरकार तोड़ी क्यों गई? यह चुनी हुई सरकार इसलिए तोड़ी गई कि जय शाह के पप्पा ने एक स्कीम निकाला है। जानते हैं जय शाह के बाबूजी कौन है? हाँ, वही है। तो जय शाह के पप्पा ने एक नया स्कीम निकाला है। स्कीम यह है कि वो शिंदे साहब को बिठा करके CM की कुर्सी पर
और रिमोट जो है ना, रिमोट कंट्रोल, वो अदानी जी के पॉकेट में रख दिए हैं। उनको ऐसा चीफ मिनिस्टर नहीं चाहिए जो महाराष्ट्र की आवाम के हकूक के लिए आवाज उठा सके। उसको एक ऐसा कठपुतली सीएम चाहिए जो महाराष्ट्र के संसाधन लुटते रहे और वो अपने मुंह पे ताला लगा करके बैठा रहे। इसीलिए पूरा राष्ट्र महाराष्ट्र की तरफ उम्मीद की नजरों से देख रहा है और आपके ऊपर ये जिम्मेवारी है कि आप पूरे देश को एक संदेशा दें कि जो लोगों के वोटों के साथ गद्दारी करेगा, क्योंकि वोट का अधिकार हमारा बुनियादी अधिकार है और जमहूरियत में वोट के दम पर ही तय होगा कि शासन कौन होगा। इसीलिए कहते हैं कि अब हम जमहूरियत में रहते हैं, लोकतंत्र में रहते हैं, जहां रानी के कोख से राजा नहीं पैदा होगा, जनता के वोट से जनता का सेवक पैदा होगा। ये जमहूरियत होता है। इस जमहूरियत के दम पर आप लोगों को ये फैसला लेना है कि आप महाराष्ट्र की छवि देश के सामने क्या रखना चाहते हैं। और अगर आपने परिवर्तन का मन बनाया है क्या? ये परिवर्तन वाली आवाज थोड़ी धीमी सी लग रही है, कम से कम इतना जोर से तो बोलिए कि दिल्ली नहीं कम से कम मुंबई तक तो आवाज पहुंचे। परिवर्तन होगा? दोनों हाथ उठा के बताइए, महाराष्ट्र में परिवर्तन होगा? अगर आप महाराष्ट्र में परिवर्तन करेंगे तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। मेरा निवेदन यह है कि मैं हरियाणा में चुनाव प्रचार कर रहा था और हरियाणा में जब मैं चुनाव प्रचार कर रहा था तो कोई नहीं कह रहा था कि वहां पे हम चुनाव हारेंगे। जिससे भी पूछ लीजिए, जैसे ये लोग ड्यूटी कर रहे हैं ना, तो सिपाही पारामिलिट्री से भी पूछते थे तो ये लोग भी कहता था कि भैया चक है मामला इस बार आप लोग का, हरियाणा में सरकार बनेगी। दुकानदार से पूछ लीजिए, मजदूर से, किसान से, किसी से भी बात कीजिए। लेकिन जब परिणाम आया तो परिणाम हमारे विपरीत चला गया। परिणाम विपरीत क्यों चला गया? ईवीएम वाली बात हम नहीं कर रहे हैं। देखिए वो मशीन है, जब इंसान इंसान की बात नहीं समझ सके तो मशीन को क्या ही कहना है, मशीन को क्या ही दोष देना है। इंसानी बात मैं आपसे कर रहा हूं कि वहां हमने ये देखा कि वोट काटने वाले लोग बहुत सक्रिय होते हैं और ये जो लोग हैं इनके लिए चुनाव जो है वो एक मौका होता है लाख दो लाख रुपया कमा लेने का। और जैसा कि जो पप्पा हैं उनके पास पैसा का तो कोई कमी है नहीं, चंदा लो धंधा दो स्कीम के तहत जो है हजारों करोड़ रुपया उस पार्टी के पास है। तो वो पार्टी क्या करती है, जगह जगह पर वोट बांटने के लिए अपना सिस्टम फिट कर देती है। जो सीट 100% जीती जा सकती है, जैसे मैं कहता हूं कि सीट पर अगर आपने तय कर लिया तो कोई माइका लाल महाविकास अगारी को नहीं हरा सकता है, 100% की सीट जीती जा सकती है। लेकिन इसके लिए जरूरी हो जाता है कि कैसे वोट का बंटवारा किया जाए। तो मैं तमाम नौजवानों से, खास करके अपने नौजवानों से निवेदन करता हूं, ये गुजारिश करता हूं कि देखो भाई, चुनाव जो है ना वो जलसों में नहीं होता है, चुनाव रैलियों में नहीं होता है, चुनाव मोटरसाइकिल रैली और साइकिल रैली, खुली जीप और ये जो कागज उड़ा रहे हैं, इसमें चुनाव नहीं होता है। चुनाव बूथों पर होता है, सारी लड़ाई, सारा चुनाव बूथों पर लड़ा जा रहा है। अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं, जैसा कि आप लोगों ने हाथ उठा करके अभी बताया है, अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको मुस्तैदी से 20 तारीख को बूथ पर काम करना पड़ेगा, अपना वोट गिराना है, एक एक घर से लोगों को ला करके वोट करवाना है, तब जाकर के परिवर्तन होगा। अगर आप महल बनाने का सपना देखते हैं, अगर आप महाराष्ट्र में नई सरकार बनाने का सपना देखते हैं, अगर आपका यह फैसला है और आपका यह तजुर्बा है कि आप महाविकास अगारी की सरकार बनाना चाहते हैं, तो हमारे लिए एक एक आमदार इंपॉर्टेंट है। जैसे बूंद बूंद घड़ा भरता है, जैसे ईंट से ईंट को जोड़ करके मकान खड़ा होता है, वैसे ही एक एक विधायक को जिताने से मेजोरिटी मिलती है, एक एक आमदार को जिताने से बहुमत मिलता है। ये मत सोचिएगा कि अच्छा इस सीट पे कुछ और हो गया तो क्या दिक्कत है।
ऐसा ही चीज हर कोई अगर अपने सीट के बारे में सोचने लगेगा तो आप विचार कीजिए कि क्या हम बहुमत तक पहुंच पाएंगे। अगर हम बहुमत पाना चाहते हैं तो इस बार हमको कुछ नहीं देखना है, सीधा देखना है कि महाविकास अगाड़ी का ऑफिशियल कैंडिडेट कौन है और ठका ठक वहां पर बटन दबाना है। और मैं कहता हूं कि जब आप 20 तारीख को बटन दबाएंगे, 23 तारीख को परिणाम आएगा और मैं खुद बैठ करके देखूंगा कि महाराष्ट्र में जहां जहां प्रचार किए हैं वहां चुनाव जीते हैं कि नहीं जीते हैं। मेरे मन में खुशी होगी 23 तारीख को परिणाम आए, महाविकास अघाड़ी की सरकार बने, 24 तारीख से हम लोग काम करना शुरू करेंगे और हमारी पार्टी ने, महाविकास अघाड़ी ने, आदरणीय खड़गे जी ने, राहुल जी ने, उद्धव जी ठाकरे ने, शरद पवार जी ने, तमाम इंडिया अलायंस की जो पार्टियां यहां पे मौजूद है, तमाम पार्टियों ने तय किया है कि हम 5 गारंटी को लागू करेंगे और हमारी जो बहनें हैं उनके खाते में 1500 नहीं सिंधे जी, पूरा का पूरा 3000 रुपया पहुंचाने का काम करेंगे। और जो हमारे नौजवान हैं उन नौजवानों को या तो हम रोजगार देंगे और जब तक रोजगार नहीं देंगे तो 4000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। हम कहते हैं कौन बनाया हिंदुस्तान, देश का मजदूर किसान, तो मजदूरों और किसानों के लिए उनका 3 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे। और हमने कहा कि इलाज कराने में हम बर्बाद हो जाते हैं तो हमारी इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित हो इसके लिए 25 लाख तक का इंश्योरेंस लागू करेंगे। और आधी आबादी 50% आबादी को आधा कंसेशन नहीं 100% कंसेशन देंगे, स्टेट ट्रांसपोर्ट में बस यात्रा फ्री करेंगे। और यह जो वादा हम कर रहे हैं यह झूठ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि झूठ बोलने के लिए तो प्रधानमंत्री होना पड़ेगा, तो वो तो हम है नहीं। तो हम ये बात कह रहे हैं तो इन बातों को हम लागू करेंगे, क्योंकि जहां जहां हमारी सरकार बनी है हमने अपनी गारंटी को लागू किया है। हमारा काम ये नहीं है कि चुनाव के वक्त में आकर के कहें कि आपके खाते में 15 लाख पहुंचाएंगे और चुनाव जब खत्म हो जाए तब टीवी में बेशरम की तरह बैठ करके कहेंगे वो तो चुनावी जुमला था। ये जुमलेबाजी का काम हमारा नहीं है साहब। आप महाराष्ट्र में परिवर्तन कीजिए, महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में परिवर्तन को आगे बढ़ाएगी और विकास और प्रगति को आपके दरवाजे तक लेकर के आएगी। और समाज को जो ये बांटने वाले लोग हैं इनके लिए हम एक ही बात कहते हैं कि हमारी रगों में मौलाना अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, नेहरू, बिरसा मुंडा, शहीद आजम भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस और परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों की धारा बहती है। इसीलिए जैसे कहते थे गांधी, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, सबकी सन्मति के लिए हम काम करेंगे, इस देश की एकता को, जमहूरियत को टिका करके रखेंगे, इस देश के आईन और संविधान को बचा करके रखेंगे। और जो भी हमारे अधिकारों की तरफ नजर उठा करके देखेगा, चुनौती से कहते हैं, टाल ठोक करके कहते हैं, हमने तुम्हारी पुलिस देखी, हमने तुम्हारा जेल देखा, हमने तुम्हारी तिजोरी देखी, हमने तुम्हारा नोट देखा, ना हम बिकने वाले हैं ना हम बिकेंगे, हम बदलने वाले हैं, बदले हैं और बदल करके रहेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप तमाम लोगों का एक बार फिर से दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, कांग्रेस।